हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं दिव्या दीप्ति, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छी मीनिंगफुल स्टोरी। इस कहानी से आपको पता चलेगा हमें क्यों अपनी कंपेरिजन किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए। ये कहानी है एक कौआ की। ये कौआ अपना कंपेरिजन हमेशा किसी और के साथ करता रहता था और खुद ही अपसेट रहता था। जैसे कि आप सब जानते हो, कौआ काला ही होता है, तो ये कौआ भी काला ही था। ये कौआ जब भी किसी और को देखता तो खुद ही उसको देख के अपने कंपेरिजन करता और खुद ही अपसेट रहता। एक दिन उसको एक हंस दिखाई दिया तालाब में नहाते हुए, सफ़ेद रंग का। उसको वो हंस बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना मुझे हंस से जाके पूछना चाहिए उसको कैसा महसूस होता होगा। फिर वो तुरंत ही उड़ गया हंस के पास और उससे पूछने लगा, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा रंग कितना अच्छा है, तुम्हें तो बहुत अच्छा महसूस होता होगा ना। फिर ये हंस भी अपना कंपेरिजन किसी और के साथ करने लगा और बोला, मैं क्या सुंदर हूँ, मुझसे भी सुंदर तो तोता होता है, उसका तो दो दो रंग होता है। उसको नहीं देखा, उसको जाके पूछो, उसको अच्छा महसूस होता होगा। फिर ये कौआ सोचने लगा, मुझे तो उससे मिलना चाहिए, उससे पूछना चाहिए उसको कैसा महसूस होता है। फिर वो तुरंत ही उड़ गया और तोते को ढूंढने लगा। फिर बहुत देर बाद उसको एक तोते दिखाई दिया। फिर उस तोता से पूछा कि तुम्हारा रंग कितना अच्छा है, तुमको बहुत अच्छा महसूस होता होगा ना, बोलो ना कैसा महसूस होता है तुमको। फिर ये तोता भी बोलने लगा कि मैं क्या सुंदर हूँ, मुझसे भी सुंदर तो मोर होता है, तुमने उसको नहीं देखा, उसका तो कितना सारा रंग होता है, कितना सुंदर होता है वो, जब भी वो नाचता है ना लोग उसको देखते रहते हैं, उससे जाके पूछो उसको अच्छा महसूस होता होगा। फिर ये कौआ तुरंत ही उड़ गया और उड़ के मोर को ढूंढने लगा। उसको फिर मोर बहुत देर तक नहीं मिला। फिर उसको चिड़िया खाने में मोर दिखाई दिया, लोग उसके फ़ोटो खींच रहा था मोर के, लेकिन वो पिंजरे में बंद था। फिर वो तुरंत ही उड़ के मोर के पास गया और पूछा, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा रंग कितना अच्छा है, लोग तुम्हारे फ़ोटो खींचते, तुमको कितना अच्छा महसूस होता होगा ना। फिर वो मोर बोलने लगा, मुझसे अच्छा तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं चिड़िया खाने में बंद हो और तुम खुले आसमान में उड़ सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, मेरे बहुत सारे रंग हैं, लोग मेरी फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन मैं पिंजरे में बंद हूँ, मुझे घुटन महसूस होता है, तुम उड़ सकते हो खुले आसमान में, जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसीलिए तुम अपनी कंपेरिजन मेरे साथ मत करो, मुझसे बेहतर तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम किसी और के साथ अपना कंपेरिजन करके बहुत गलत कर रहे हो। फिर उस दिन उस कौए को पता चला कि वो कितना गलत कर रहा था अपने कंपेरिजन किसी और के साथ करके। हमें सिर्फ जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। सोशल मीडिया पे हर कोई शो ऑफ करता है, किसी और की ज़िंदगी की जैसा होने की प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी और की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या क्या फेस करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें क्या पता। किसी और के जैसा होने की कोशिश मत कीजिए, हम जो है बेस्ट है, इसीलिए खुद के बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोले, और अगर आप खुद को बेस्ट समझोगे तो बेस्ट बन जाओगे। लेकिन किसी और के साथ अगर कंपेरिजन करोगे तो हमारी ज़िंदगी में भी वो सब हो सकता है जो वो लोग फेस करते हैं, हमें क्या पता कि वो लोग क्या क्या फेस करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कुछ करके दिखाइए ऐसा जैसे हर कोई करना चाहे आपके जैसा।